नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन कैपिटल गेन चैप्टर इज टाइप ऑफ कैपिटल गेन यू ऑलरेडी अवेर ऑफ दिसर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज वेरी सिंपल द गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हिस्र क्योंकि एक तो एकदम सिंपल है

ठीक है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एसेट लॉन्ग लॉन्ग टर्म 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 कैपिटल का तो नेगेटिव डेफिनेशन है 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 जो शॉर्ट नहीं है, वो है. लेकिन क्या शॉर्ट टर्म हो सकता है वो डिपेंड होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब सर यूजुअली डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक तो डेट ऑफ डीओ ए टू डीओ टी में बोलता हूं हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर तक मतलब आपने कितने पीरियड के लिए वो असेट ओन किया था अगर वो असेट आपने ओन किया था फॉर अ पीरियड किया था अपर टू थर्टी सिक्स मंथ होता है तो इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल और अगर आपका पीरियड थर्टी सिक्स मंथ से ज्यादा है इफ इट एक्सीड थर्टी सिक्स मंथ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बोला जाता है बोलो आपको लॉ समझ में आया क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का 36 मंथ तक शॉर्ट टर्म 36 मंथ के बाद लॉन्ग टर्म बोलो इज इट क्लियर क्लियर है वेरी गुड चलो आगे चलता हूं मैं सर ये तो लॉ हो गया लॉ पढ़ने के बाद इमीडिएटली क्या पढ़ना चाहिए हमें

वैसे तो असेट थर्टी सिक्स मंथ लेता है लॉन्ग टर्म बनने के लिए लेकिन ये चार असेट ऐसे यूनिट्स ऑफ यूटीआई यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कुपन जो मंथ में ही लॉन्ग टर्म हो जाते हैं ये पहला एक्सेप्शन हो गया बोलो एक्सेप्शन नंबर वन क्लियर है जल्दी बोलो हा ठीक है एक्सेप्शन नंबर टू

याद रखनी पड़ेगी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इमोबल प्रॉपर्टी को लेकर आता है लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर आता है मैं भी बहुत सारे एग्जांपल लूंगा जो लैंड एंड बिल्डिंग को कनेक्टेड होंगे और हर बार मैं आपसे पूछा करूंगा कि बताओ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म और आपको बताना पड़ेगा तो भैया हमारे पास टोटल कितने एक्सेप्शनल असेट हो गए छे कैसे छे सर लिस्टेड शेयर्स यूनिट्स ऑफ यूटीआई यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और जीरो कूपन बॉन्ड इसका जो पीरियड है ये ट्वेल्व मंथ का है ट्वेल्व मंथ के बाद ये लॉन्ग टर्म हो जाते हैं ठीक है ना फिर हमारे पास दो हो गए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज लैंड एंड बिल्डिंग ये हो गए ट्वेंटी मंथ के क्राइटेरिया में ये दोनों एक्सेप्शनल हो गए अब बचे हुए सारे सारे असेट एनी अदर असेट अदर जो ऊपर छेगरी में छे कैटेगरी में नहीं आया गोल्ड हो गया ज्वेलरी हो ज्वेलरीएंगे थर्टी सिक्स मंथ में ठीक है ना इसको हम लेकर जाएंगे थर्टी सिक्स मंथ में थर्टी सिक्स मंथ तक अगर होगा आपके पास तो शॉर्ट टर्म थर्टी सिक्स मंथ के बाद लॉन्ग टर्म तो मुझे बताओ ज्वेलरी के बारे में बताओ ज्वेलरी के बारे में ज्वेलरी मेरे पास एटीन मंथ के लिए है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल ज्वेलरी मेरे पास मंथ के लिए है बोलो लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल ज्वेलरी मेरे पास थर्टी सिक्स मंथ के लिए एक्जैक्ट थर्टी सिक्स मंथ टर्म बोलो बोलो जल्दी बोलो बाकी लोग भी बोलो फटाफट शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल असिट है क्योंकि अप टू थर्टी सिक्स मंथ ये शॉर्ट टर्म ही रहता है टू लेस देन इक्वल टू का साइन मारा है यहाँ पे अप टू थर्टी सिक्स मंथ ये शॉर्ट टर्म ही रहता है एक्सीडिंग थर्टी सिक्स मंथ ये लॉन्ग टर्म हो जाता है तो एक बात तो ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए थी सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को पढ़ना क्यों जरूरी है क्योंकि दोनों के टैक्स के रेट्स अलग है दोनों का कंप्यूटेशनल मेके अलग है दोनों के एग्जामिशन अलग है सब कुछ अलग है और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के नियम भी अलग है याद है आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के नियम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये बराबर है ना ये तो आपको पहले से पता है अभी राइट right? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप पहले एग्जाम में कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने वाले हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने वाले हो क्योंकि कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म चेंज हो जाता है मेथड चेंज हो जाती है इंडेक्सेशन का बेनिफिट लॉन्ग टर्म को है शॉर्ट टर्म को नहीं है टैक्स के रेट चेंज हो जाते हैं और खास करके एग्जामेशन की सीरीज भी चेंज हो जाती है तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लेते हैं उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो होता है है उसको माइनस किया जाता है, तो आपके पास नेट कंसिडरेशन आता है नेट कंसिडरेशन में से आप दो चीजों को माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दो चीजें माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और उसके बाद जो आता है वो आपके पास आ जाता है कैपिटल गेन इस कैपिटल गेन में से आप एग्जामशन को माइनस करते हो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्स का सीरीज बता दिया है ये फिफ्टी फोर यहां से गलती से आया हुआ है नहीं यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है जरा आप मेरे साथ करेक्ट कीजिए फिफ्टी फोर बी है यहाँ पे बी पहला वाला जो है ना पहला वाला ये फिफ्टी फोर बी है बी और ये सेकेंड वाला ये है ये फिफ्टी फोर डी है ये 54 नहीं है डिजास्टर है ये 54 बी है 54 डी ऐसे दो सेक्शन है यहाँ पे बी करके मैंने भी आग, याद रखा है मैंने कैसे याद रखा है अगर तुम बी डी पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी शॉर्ट टर्म हो जाएगी हुँ? तुम क्या पियोगे अगर तुम बीडी पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी शॉर्ट टर्म हो जाएगी और बीडी का ब्रांड भी मेरे मुंबई के स्टूडेंट ने मुझे बताया था सर गणेश बीडी करके कोई तो बीडी आता है मार्केट में तो ये जी और जी से उन्होंने जीए से उन्होंने वो याद रखा था अगर तुम स्पेसिफिकली गणेश बीडी पी तो तुम्हारी जिंदगी पक्का शॉर्ट टर्म होगी तो चार ही ऐसे एग्जामिशन के सेक्शन है जहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने एग्जामेशन मिलता है फिफ्टी फोर बी फिफ्टी फोर डी फिफ्टी फोर जी फिफ्टी फोर जी ए इसमें के जी और जी ए जो है वो सी ए इंटर के सिलेबस में नहीं है फाइनल में आता है तो सी ए इंटर के सिलेबस में खाली बीडी आता है ठीक है ना ओनली बी डी आता है तो बात कर लेंगे वो सर टैक्स रेट क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नॉर्मल रेट पे टैक्स होता है स्लैब रेट पे टैक्स होता है अगर इंडिविजुअल एच रहेगा तो ओके सर ऐसे हो सकता है कि अगर तुमने लैंड लिया हुआ है दस साल पहले और दो साल पहले उसके ऊपर बिल्डिंग बना के बेचा हुआ है ऐसा पॉसिबल है ना अरे लैंड तुम्हारा दस साल पुराना है बिल्डिंग खाली दो साल पुराना है ऐसा हो सकता है ना uh. तो अभी समझेगा कैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि तुमने तो दो असेट बेचे तो उन्होंने बोला प्रपोशनल बेसिस पे डिवाइड करो पॉसिबल हो सकता है कि लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेट अट इफ साइट इज अक्ड बिफोर टू ईयर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद इन टू ईयर देन वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेट कैपिटल गेन फॉर बोध असेट कैपिटल गेन लैंड के ऊपर का लॉन्ग टर्म निकलेगा और बिल्डिंग के ऊपर का शॉर्ट टर्म निकलेगा सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फर्क क्या पड़ता है

तब तब, जब तीन सौ रुपया पगार होता था तो पूरे महीने का शॉपिंग पांच रुपए में हो जाता था पूरे महीने का नहीं लेकिन एक आध हफ्ते का तो शॉपिंग हो ही जाता था बस का टिकट पांच पैसा दस पैसा ऐसा बस का टिकट हुआ करता था ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं मैं हिंट दे रहा हूं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके कुछ कॉन्सेप्ट होता है तुमने एफ एम पढ़ा होगा तो तुम्हारा बात यहीं पे मुझे रोकनी पड़ेगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है ना चेंज होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक लाख रुपया अभी का एक लाख रुपया तभी का अलग अलग है ना तो तुम्हारे बापू ने अगर 2001 में एक लाख रुपए का अगर घर लिया होता और अगर 2021 में बापू अगर 20 साल के बाद अगर एक घर बेच रहा है पकड़ लो 40 लाख रुपए के लिए तो कैपिटल गेन निकालने के लिए मैं अगर सिंपली इसमें से वन लाख रुपये माइनस करूं तो ये गलत नहीं हो रहा है अरे uh. ये तुमने प्रेजेंट वैल्यू में से पास्ट वैल्यू कैसे माइनस किया ये दोनों सेम ईयर के नहीं है ना सेम लेवल पे नहीं है एक बीस साल पुराना है और एक अभी का है बीस साल पुराना एक लाख रुपए का वैल्यू ज्यादा हुआ करता था राइट ये वैल्यू ज्यादा हुआ करता था बीस साल पहले एक लाख रुपए का वैल्यू ज्यादा हुआ करता था आज के वैल्यू के कंपेरिजन में आज चालीस में का एक लाख रुपया है और ये लाख रुपया क्या इक्विवेलेंट है क्या मुझे इतना बता दो इस चालीस में का एक लाख रुपया और उस टाइम का एक लाख रुपया क्या ये दोनों है।, सा है दोनों में बीस साल पहले का तो बीस साल पहले वाले को आपको नहीं लग रहा प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा इसको मैं पास्ट में लेके जाके क्या करूं तो मुझे पास्ट की वैल्यू को प्रेजेंट में लाना पड़ेगा ना वैल्यू है इसको दो हजार इक्कीस की वैल्यू बनानी पड़ेगी ना इसको मल्टीप्लाई करू कि डिवाइड करू वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए मैथमेटिकली मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि डिवाइड करना चाहिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना थैंक यू थैंक यू मतलब उतना तो मैथमेटिक्स आपको आता है तो हमने क्या बोला ये एक लाख रुपया ले लो सर मैंने एक लाख रुपया ले लिया इसको मल्टीप्लाई करो सर इंडेक्स से 2001 का इंडेक्सेशन था हंड्रेड रुपीज और अभी 2021 का इंडेक्सेशन है थ्री जीरो वन मतलब तभी का 100 अभी का तीन सौ एक रुपया बन चुका है तो मल्टीप्लाई बाय थ्री जीरो वन डिवाइड बाय हंड्रेड करो सर मतलब थ्री टाइम्स बढ़ गया मान लो तो वन लाख मल्टीप्लाई बाय थ्री जीरो वन डिवाइड बाय हंड्रेड अगर करो तो थ्री लाख वन थाउजेंड आता है आया तुम लोगों को ये नंबर थ्री लाख वन थाउजेंड गवर्नमेंट बोलता है यहां से थ्री लाख वन थाउजेंड माइनस करो गवर्नमेंट बोलता है यहां से एक लाख मत माइनस करो चालीस लाख में से चालीस लाख में से थ्री लाख वन थाउजेंड माइनस करो तो थर्टी सिक्स लाख नाइन्टी नाइन थाउजेंड आ रहा है बोलो पहले से तो बेटर ही है ना पहले चालीस में से एक लाख रुपया माइनस किया था थर्टी नाइन लाख रुपया टैक्सेबल आ रहा था अभी चालीस में से तीन लाख माइनस हो रहा है तो थर्टी सिक्स

सिंपल सी बात बता रहा हूं कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो था वो वही रहेगा ट्रांसफर एक्सपेंस भी आप माइनस करो नेट कंसिडरेशन तक तो कैलकुलेशन चेंज नहीं हुआ इसमें अभी खाली चेंज ये हो गया कि यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लग गया मतलब मैंने इसको टाइम वैल्यू फैक्टर लगा दिया समझो आप लोग मैंने लगा दिया टाइम वैल्यू फैक्टर सर ये ऊपर शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं लगाया था बेटा शॉर्ट टर्म में प्राइस का डिफरेंस इतना समझ में आता है क्या लास्ट ईयर का एक लाख रुपया और करंट ईयर का एक लाख रुपया डू यू फील मच डिफरेंस अरे बोलो ना चेंज तो एक साल में भी होता है लेकिन इतना फर्क पड़ता है क्या आपको लास्ट ईयर का एक लाख रुपया अभी का एक लाख रुपया बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है क्या आपको हेलो अरे शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है क्या नहीं नहीं शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्राइसिंग डिफरेंस नहीं आता लेकिन लॉन्ग टर्म में आता है ना चालीस साल में पच्चीस साल में पचास साल में डिफरेंस आता है ना है। हाँ इसलिए लॉन्ग टर्म के यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है शॉर्ट टर्म के यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता और एग्जामेशन की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म अगर होगा तो सारे एग्जामेशन मिलते हैं जितने एग्जामेशन है इनकम टैक्स लॉ में 54 की सीरीज में सारे के सारे एग्जाम्शन यहाँ पे मिलते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जनरल रेट ऑफ टैक्स जो मैंने आपको बता दिया है वो है ट्वेंटी परसेंट मैंने चैप्टर वन में आपको पढ़ाया था अगर आपको याद होगा तो

Year of acquisition, इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आप सिंपल सी भाषा में याद रखो मैं जिस भाषा में लिख रहा हूं उस भाषा में याद रखो आप लोग इंटू सी आई आई ऑफ ट्रांसफर ईयर डिवाइड बाई सी आई आई ऑफ एक्विजिशन ईयर इसके जब तक मैं दो चार क्वेश्चन नहीं करा देता तब तो तक आपको ये दिमाग में नहीं बैठेगा और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन टू सी आई आई ऑफ ट्रांसफर ईयर सॉरी सॉरी इंप्रूवमेंट ईयर एक्विजिशन ईयर नहीं आएगा यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया ना इंप्रूवमेंट दूसरे साल में हो सकता है इंप्रूवमेंट ईयर आता है यहाँ पे ठीक है तो ये ऐसी यहां पे बात की गई है सीआई ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइड हो जाता है ये इंडेक्सेशन टेबल है सर ये बाय हार्ट करना है क्या तो आंसर no, है नहीं बाय हार्ट करना लेकिन आपको बेस ईयर पता होना चाहिए 2001 एंड 2 हमारा बेस ईयर है और 2021-22 आपका प्रीवियस ईयर है जिसमें ट्रांसफर होने वाला है इन दो साल का आपको याद रखना पड़ता है बीच में का इंडेक्स टेबल आपको एग्जाम में दिया जाता है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है हम्म अब मुझे बताओ मुझे बताओ ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके दादाजी ने 1970 में प्रॉपर्टी लिया था और 2021 में बेच रहे और इसमें बीच में 2001 चला गया फर्स्ट अप्रैल 2001। अब यहां से यहां का जो प्राइस चेंज हुआ है फर्स्ट अप्रैल 2001 से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 तक उसके लिए तो हमारे पास इंडेक्स नंबर है, तो है लेकिन यहाँ से तो तो रिवाइज होने के बाद इनकम टैक्स लॉ अमेंड होने के बाद टू थाउजेंड वन से मेरा इंडेक्स नंबर स्टार्ट हुआ है तो सर यहां से यहाँ जो प्राइजिंग डिफरेंस था यहाँ भी था ना प्राइसिंग डिफरेंस इन्फ्लेशन तो यहाँ पे भी चेंज हुआ है बोलो तो सर ये यहां का डिफरेंस गवर्नमेंट मुझे कैसे बेनिफिट कराता है तो गवर्नमेंट बोलता है भैया अगर आपकी प्रॉपर्टी वन फोर टू थाउजेंड वन के पहले अक्वायर की होगी अगर आपकी प्रॉपर्टी के पहले अक्वायर की होगी तो आप एक काम कर लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ लो आपके दादाजी ने बीस हजार में घर लिया था और फेयर मार्केट वैल्यू उस घर की इस दिन पे वन फोर टू थाउजेंड वन पे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है दस लाख रुपया आप एक काम कर लो विचवरिज हायर लेने का क्या कर लेना मार्केट वैल्यू को कॉस्ट प्राइस लेने दे, दे रहे आप लोगों को समझ में आ रहा है की जो मार्केट वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू उसको हम कॉस्ट करके आपको लेने दे रहे तो यहां पे बीस हजार से लेके दस लाख रुपए का जो राइज हुआ वो यहां का इन्फ्लेशन कैप्चर कर लेगा ना ये बोलो हम आपको कॉस्ट के जगह पे फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कर रहे क्योंकि हमारे पास 1970 का इंडेक्सेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेशन 2001 का ही है 2001 के आगे का है तो हम बता रहे कि इस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है वो लेकर आओ अब फेयर मार्केट वैल्यू तो नोशनल कॉन्सेप्ट हो गई आपको नहीं लग रहा लोग वैल्यू को पांच पचास रुपए एक्स्ट्रा देके के हजार दो हजार एक्स्ट्रा देके वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बढ़ा के ले सकते थे क्योंकि ये तो वैसे भी पास्ट में हो रहा है अरे झोल किया जा सकता है ना अरे ये आ, दस लाख रुपए का कोई सपोर्टिंग तो है नहीं खाली सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट ने ये झोल कंट्रोल करने के लिए बोला सुनो सुनो ये जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो ना इट शुड नॉट बी मोर देन इट शुड नॉट बी शुड नॉट बी मोर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टैप ड्यूटी वैल्यू से कम ही रहना चाहिए मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को जो ना होकर ये नया लॉ आया हुआ है ये बहुत important amendment है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट है है और आपकी एग्जाम पहली एग्जाम होने वाली है सीएम की जिसमें यह अमेंडमेंट टारगेट किया जाएगा तो आप लोगों को ये अमेंडमेंट समझ में आना चाहिए मैं आपको दो तीन क्वेश्चन पढ़ा दूंगा डोंट वरी अबाउट इट क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक समझेगा नहीं लेकिन क्वेश्चन तभी करा पाऊंगा जब थे बोलूंगा तो मुझे थे बोलने तो ये यहाँ पे देखो मैंने लिख के दिया हुआ है आपको

तो बिल्डिंग के केस में गवर्नमेंट ने बोला फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन वैल्यूजेंड वन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 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 अमेंडमेंट है यहां पे मेरा चेहरा बना के रख दो ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है ठीक है दूसरा मुझे बताओ आपके पापा ने एक जमीन लिया जमीन के ऊपर एक घर बनाया ठीक है ना ये 1980s में 1990s में लैंड लिया पापा ने घर बनाया और 1995 में नाइनटीन फाइव में पापा ने इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया हुआ है इसको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोलते हैं अब मुझे बताओ ये जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया गया है ये बिफोर वन फोर टू थाउजेंड वन किया गया है ना तो ये फेयर मार्केट वैल्यू जब आप निकालोगे वन फोर टू थाउजेंड वन में इसमें कैप्चर हो जाएगा राइट अरे ये 1995 का बांधा हुआ बंगला है तो जब फेयर मार्केट वैल्यू लोगे तो खाली ग्राउंड फ्लोर की थोड़ी ना क्या लोगे ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर की लोगे ना आप तो गवर्नमेंट ने बोला भैया इंप्रूवमेंट अगर आपका वन फोर टू थाउजेंड वन के पहले का रहेगा तो इसको इग्नोर मारिए और वन फोर के बाद का रहेगा तो उसको कंसिडर कीजिए क्यों क्योंकि वन फोर का तो आप फेयर मार्केट वैल्यू लेने वाले हो उसमें कैप्चर हो जाएगा सारा सारी चीजें वैल्यूएशन सारा उसमें कैप्चर हो जाएगा राइट right? yes. हाँ थोड़ा ध्यान दो थोड़ा थ्योरी पढ़ लो फिर प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा प्रैक्टिकल पढ़ने तक का थोड़ा होप रखो प्लीज

ठीक है ना और पीरियड ऑफ होल्डिंग विल बी डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर हाँ सर ये तो एकदम सिंपल वाली केस है ये ऑर्डिनरी केस है ऑर्डिनरी केस ऐसी होती है. One, अगर आपने किया था बिफोर ऑनर ऑफ बिफोर नहीं बिफोर आता है खाली बिफोर वन फोर टू थाउजेंड वन अगर आपने अक्वायर किया था तो सर हमने क्या लेने बोला है आप लोगों को हमने बोला फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन लीजिए या एक्चुअल कॉस्ट एवर इज हाइयर लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ने फेयर मार्केट वैल्यू का बेनिफिट लेने अलाउ कर दिया है लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आप याद रखना फेयर मार्केट वैल्यू कैन नॉट एक्सीड एक्सीड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू जो यहां पे लिया है ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लॉ अमेंड हुआ है ठीक है आगे चलता हूं सर कैपिटल एक्सपेंडिचर बिफोर और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर को इग्नोर करने बोला है 14 2001 को करना करने बोला है ये बाय करंट ओनर भी हो सकता है बाय प्रीवियस ओनर भी हो सकता है इतना लिख के रख दो बाद में जब टाइम आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा बोलो जितना मैंने बोला थियोरटिकली उतना समझ में आया आप लोगों